So, in previous लेक्चर व्हाट वी वर डिस्कसिंग वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. हम लोगों ने बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिस्कस कर लिया था एंड देन वी वर डिस्कसिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. नाउ वो विल टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर देयर. सीरीज होता है हाइब्रिड व्हीकल एंड पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल। राइट, सीरीज और पैरेलल दो तरीके के हाइब्रिड व्हीकल होते हैं. राइट, लेट मी प्रेजेंट द स्क्रीन, विल बी बेटर. सीरीज एंड पैरेलल. या समबडी सेइंग समथिंग. ओके, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन. ओके एंड यस, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आफ्टर दिस लेक्चर, आफ्टर दिस लेक्चर मीन्स अभी 12:30 से कितने बजे तक का आपका लेक्चर होता है. 1:30 ना. ओके, तो 12:30 से 1:30 के बाद आप लोगों का एक और लेक्चर होगा जयदीप सर का, जो अभी होना था, जो एसी मशीन डिज़ाइन का जो लेक्चर था ना आपका. सॉरी, क्या मिलन. वो 9:30 को ले लिया था उसने आधा घंटा। नहीं, उसमें ऐसा था कि वो सुनील सर का प्रॉक्सी लेक्चर था, तो उनका लेक्चर अभी होना बाकी है. आई जस्ट हैड ए कन्वर्सेशन विथ हिम, ओके तो सर। उन्होंने बोला कि इसके बाद आपका लेक्चर होगा, तो बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट टू दिस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल. नाउ क्या उसमें डिफरेंस क्या होता है, हु कैन टेल मी. इज विकास हियर, ही वॉज लाइक ही वॉज हियर लास्ट टाइम बट ही इज नॉट हियर दिस टाइम. सो एनी ऑफ यू, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज हाइब्रिड एंड पैरेलल हाइब्रिड. ज्ञानेंद्र, प्लीज स्पीक अप गाइस. सीरीज जो सर जो पैरेलल होगा वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से कनेक्टेड होता है सर। हाँ, और सीरीज. सीरीज बैटरी सर। राइट, पार्शली ट्रू बट गुड एफर्ट. आप लोग आंसर्स दिया करो, अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. और मेरे लिए अभी ये और ज़्यादा मुश्किल बिकॉज बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो कितना डेप्थ में जाना वो मुझे पता नहीं है. और मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में जाके भी आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और सिलेबस में भी आप पीछे रह जाओगे. तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ना बोलो, समझ आ रहा है तो हाँ बोलो, बट बी बी इंटरेक्टिव. ओके, तो सीरीज और पैरेलल में जैसे अभी इन्होंने बताया, पैरेलल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो सीरीज हाइब्रिड में व्हाट डू वी डू. इन सीरीज हाइब्रिड वी कनेक्ट द आईसी इंजन एंड मोटर इन सीरीज कनेक्शन. ठीक है, सीरीज हाइब्रिड में लेट्स राइट. क्या करते हैं हम लोग, आईसी इंजन और मोटर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. और सेम पैरेलल में क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. राइट, ओके. नाउ सीरीज में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, तो सीरीज में जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारे आईसी इंजन को और मोटर को, एट दैट टाइम दोनों ही मोटर और आईसी इंजन, सॉरी बैटरी और आईसी इंजन दोनों ही जो पावर देता है वो किसको देता है, पहले कंट्रोलर को देता है. कंट्रोलर
कंट्रोलर उन दोनों के पावर को सिंक्रोनाइज करके एक दूसरे के साथ जो मोटर को इनपुट चाहिए वो मोटर को इनपुट देता है, और मोटर जो है वो क्या करती है डायरेक्ट व्हील के साथ कनेक्ट होती है और व्हील को वो रोटेट करती है। अगेन वन क्वेश्चन मिलन, आप बताओ कि जब हम लोग मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं व्हील के साथ तो क्या हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे मोटर को व्हील के साथ या फिर हम लोग को गियर बॉक्स चाहिए? मोटर को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट नहीं करना, उसके अंदर गियर बॉक्स भी चाहिए। नहीं, उल्टा, इट्स अपोजिट। मोटर को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और जो आपका गियर बॉक्स होता है वो आपको आईसी इंजन में लगता है। ओके, गियर बॉक्स जो होता है, यू विल नीड गियर बॉक्स फॉर कनेक्टिंग आईसी इंजन। सो जब मोटर को आप कनेक्ट कर रहे हो तो यू कैन कनेक्ट द मोटर डायरेक्टली। ओके, यू कैन कनेक्ट द मोटर डायरेक्टली विथ योर एक्सेल। सो लेट मी शो यू द इमेज। अभी जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ वो उसको या तो कहीं पे बना लो या फिर तो आप लोग क्या करो उसको वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड। वेट अ मिनट गाइस, अभी जो मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूँ ना उसको आप क्या करो या तो बना लो या फिर तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बट कीप इट विथ यू बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस। ओके, सो लेट मी प्रेजेंट इट, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये इमेज दिख रही है ना? यस। ओके, तो ये हो गई सीरीज हाइब्रिड। देखो एक और बात दिखा रहा हूँ, देखो ये जो है यहाँ पे आपका आईसी इंजन है, ठीक है। आईसी इंजन क्या कर रहा है, आईसी इंजन आ रहा है यहाँ कनेक्टिंग केबल्स से कंट्रोलर के पास। ओके, अब यहाँ बैटरी में से पावर आ रहा है, बैटरी में से पावर आके कहाँ जा रहा है, वो भी जा रहा है कंट्रोलर के पास। ओके, आईसी इंजन के पावर और बैटरी के पावर को कंट्रोलर क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। कंट्रोलर कन्वर्ट कर रहा है इस पावर को कौन से पावर में, उस पावर में जो बैटरी का जो मोटर का इनपुट होगा, ठीक है। अगर मेरा मोटर है ऐसा है कि जो 72 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, अगर वो मेरा BLDC मोटर है और वो जितने भी वोल्ट पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज होती है वो 72 वोल्ट, 48 वोल्ट इस तरीके से वोल्ट्स पे ऑपरेट करती है, बट इफ़ आई एम गोइंग फॉर सिंक्रोनस मोटर्स और थ्री फेज मोटर्स तो हो सकता है कि वो मोटर जो है वो 200 वोल्ट पे ऑपरेट करे, नहीं करती नॉर्मली, बट इफ़ दे डू देन इट विल कन्वर्ट इट, कन्वर्ट दिस वोल्टेज एंड करंट टू द वोल्टेज एंड करंट विच इज डिजायर्ड बाय द मोटर। कंट्रोलर विल कन्वर्ट the voltage and current which is accepted from IC engine and battery to the desirable voltage and current of motor and it will feed it to the motor, aur uske baad motor kya karega, it will directly connect it to the wheels. yahan pe dekho, yahan pe hum logo ko koi bhi gearbox ki zarurat nahi padi hai, theek hai. and now come here, see this is parallel hybrid. यहाँ पे डू यू सी दिस बॉक्स, दिस स्क्वायर बॉक्स ट्रांसमिशन लिखा हुआ है। सी ये जो है ट्रांसमिशन जो लिखा हुआ है ये हो गया आपका गियर बॉक्स, ठीक है। अब पहले वाले में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईसी इंजन और बैटरी दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, बिकॉज देखो सी दोनों ही कंट्रोलर में जा रहे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी ये आपका मोटर है, दिस रोटेटिंग थिंग दिस यू सी, दिस इज योर मोटर एंड दिस इज योर आईसी इंजन। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो दे आर नॉट, उनके बीच में कोई कॉमन वायर नहीं है, देखो टच नहीं हो रहा दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी, ठीक है।
नथिंग कॉमन इन हियर. तो दे आर कनेक्टिंग ईच अदर पैरेलली, दे आर सेपरेट सेपरेटेड पैरेलली एंड दे आर कनेक्टिंग टू द ट्रांसमिशन सिस्टम और गियर बॉक्स. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी से जो आ रहा है, बैटरी से जो आपको पावर आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, देखो कंट्रोलर में जा रहा है और कंट्रोलर से फिर मोटर में जा रहा है. तो बैटरी के डीसी पावर को क्या कर रहा है, मेरा कंट्रोलर डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, और अगर मेरी जो मोटर है उसको, इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर को वो प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इफ इवन इफ इट इज़ बी एल डी सी, बी एल डी सी का जो नाम है उसके ऊपर से ब्रशलेस डीसी मोटर उसको बोलते हैं, बट डोंट मिस्टेक इट फॉर अ रियल डीसी मोटर, बिकॉज बी एल डी सी ऑल्सो ऑपरेट्स ऑन एसी वोल्टेज. आई थिंक आप लोग स्पेशल स्पेशल मशीन्स नहीं पढ़े हो, आप लोगों को सब्जेक्ट आया है क्या स्पेशल मशीन्स का? नहीं आया ना आप लोगों ने? बी एल डी सी मोटर्स जो हो गई, एस आर एम मोटर्स हो गई, सर्वो मोटर्स वगैरह, उनके बारे में आप लोग पढ़े हो क्या? Anybody कोई आंसर दो, अगर पढ़े हो तो हाँ बोलो, नहीं पढ़े तो ना बोलो, आंसर दो कुछ. सर सर्वो मोटर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, बट बाकी की मोटर को बता दिया किसी और. ओके कोई बात नहीं, जब भी जब मोटर का सेक्शन हम पढ़ेंगे वी विल डिस्कस अबाउट दैट. आपके सिलेबस में है तो वी विल डिस्कस इट, नो प्रॉब्लम्स. बट फॉर नाउ जस्ट नो दैट कि बी एल डी सी अगर मैं बोल रहा हूँ तो इट सिंपली डज नॉट वर्क ऑन डी सी पावर. ओके, इट रिक्वायर्स ए सी, इट इज़ बेसिकली एन ए सी मोटर, बट बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग ब्रशेज वी कॉल इट बी एल डी सी. यू विल नो वैन वी विल गो थ्रू दैट, बट फॉर नाउ नो दैट. ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया सीरीज पैरेलल और किस में गियर बॉक्स की ज़रूरत होती है और किस में नहीं होती. प्लीज से गाइस, क्लियर है तो यस बोलो, अगर नहीं है तो नो बोलो. ओके, मिलन इज क्लियर, अदर्स? यस सर. ओके, ज्ञानेंद्र इज आल्सो क्लियर? यस सर, क्लियर है. राहुल? ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर? नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर नोटपैड. वेट, वेयर डिड द नोटपैड गो? ओके, सो अभी मैं सीरीज में क्या लिखूँ आप लोग बताओ, गियर बॉक्स कनेक्टेड लिखूँ या गियर बॉक्स नॉट कनेक्टेड लिखूँ? अब बताओ मिलन. ओके, एंड पैरेलल में क्या आएगा, कौन बताएगा? यश बताओ, पैरेलल में गियर बॉक्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? ओके ओके, सो गियर बॉक्स कनेक्टेड एंड दैट वाज सीरीज पैरेलल. आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं उसके अंदर There were two things. एक जो ऐसी थी कि जिसके अंदर what do we do, आपको refuel करना पड़ता है, और दूसरा था जिसके अंदर आपको refuel नहीं करना पड़ता. ओके, वन वॉज जिसमें आपको refuel करना पड़ता है, जो refuel करना पड़ता. हाँ राहुल बोलो. राइट, रिचार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल. रिचार्जेबल में क्या था कि आपको बैटरी को रिचार्ज करनी पड़ेगी और आपका जो आईसी इंजन है वो सेपरेटली अलग से चलेगा, राइट? और जो नॉन रिचार्जेबल था उसमें क्या था, आपका आईसी इंजन जो है वही आपके मोटर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है रोटेट करने के लिए, पावर जनरेट करके दे रहा है. ठीक है, मोटर जनरेटर सेट के बारे में हम लोगों ने बात की थी.
उसके अंदर भी आप लोगों के बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं व्हीकल्स के जिनमें मोटर जनरेटर सेट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मोटर होती है और आईसी इंजन जो है वो मोटर को पावर प्रोवाइड कर रहा है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आईसी इंजन भी होता है और साथ में मोटर जनरेटर सेट भी होता है जो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, जो हमारा सीरीज कनेक्शन में ही होता है ये। एंड वन मोर थिंग, सीरीज कनेक्शन की जो हाइब्रिड जो होती है, जो व्हीकल्स होती है, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग सो मच थिंग्स। पहले तो आपको आईसी इंजन और मोटर को सीरीज में कनेक्ट करना है। आईसी इंजन मोटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोटर जनरेटर की सेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इवन दो पैरेलल में गियर बॉक्स अलग से आपको ऐड करना पड़ता है, बट गियर बॉक्स का जो साइज आपको जो उसमें दिख रहा है वो इतना बड़ा होता नहीं है एक्चुअल में। ओके, बट जनरेटर का साइज कंपेयर टू गियर बॉक्स इज वे टू लार्ज, राइट? सो इसका जो साइज है इट रिक्वायर्स मोर स्पेस। और ये इन दिस लेस स्पेस कंपेयर टू सीरीज, राइट? सो ये हो गया आपका सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन में जो रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल था वो। ओके, बट दोनों ही में, अगर रिचार्जेबल है तो भी और नॉन रिचार्जेबल है तो भी, दोनों ही में रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो हमेशा यूज होता ही है। ओके, उसके बाद सीरीज हाइब्रिड जो है वो जो मैंने आपको बताया स्पेशलिस्ट ऑपरेशंस में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है वो? यूज़ होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? जो बड़ी बड़े व्हीकल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर सीरीज हाइब्रिड का यूज़ होता है। बड़े व्हीकल्स मतलब क्या हो गए? बड़े जो बसेस हो गई, ट्रेन इंजन्स हो गए, ऐसे जो चीज़ें होती है जिसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, मिलिट्री व्हीकल्स हो गए। इन सभी में सीरीज हाइब्रिड का यूज़ ज़्यादा होता है। और जो पैरेलल हाइब्रिड का यूज़ जो है वो नॉर्मली जो हमारी जो कार्स हम लोग देखते हैं, जो हाइब्रिड कार्स जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली, उनमें पैरेलल हाइब्रिड का यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने बात की थी टोयोटा प्रायस की, राइट? आई एम नॉट मेंशनिंग इट ओवर हियर, बट आई एम राइटिंग कमर्शियल व्हीकल्स। ओके, सो कमर्शियल व्हीकल्स में क्या होता है, पैरेलल हाइब्रिड का जो यूज है वो ज्यादा होता है। ओके, अब इसके साथ साथ में डिसएडवांटेज क्या हुए और एडवांटेज क्या हुए इन दोनों के? तो जैसे मैंने बताया स्पेस ज्यादा लगती है सीरीज हाइब्रिड में, सो दैट इज वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ इट। एक और बात जो है सीरीज हाइब्रिड में क्या होता है, सीरीज हाइब्रिड में हमने जो अभी देखा उसमें क्या हो रहा है, दो बार पावर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, बैटरी से भी और आईसी इंजन से भी दो बार पावर कन्वर्जन हो रहा है कंट्रोलर में, और उसके बाद फिर वो आपके मोटर को प्रोवाइड कर रहा है। मतलब दो स्टेज लगे, जितने ज़्यादा स्टेज लगेंगे उतना ही ज़्यादा पावर आपका लॉस होगा, एनर्जी आपकी उतनी ज़्यादा लॉस होगी, राइट? जितने ज़्यादा स्टेजेस होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी लॉस होगा, एनर्जी का इतना ज़्यादा लॉस होगा। कैसे? बिकॉज व्हेन यू विल कन्वर्ट एसी, व्हेन यू विल कन्वर्ट डीसी पावर टू एसी पावर, देयर विल बी सम लॉसेस, राइट? यू कैन नॉट कन्वर्ट इट 100%, सो देयर विल बी सम लॉसेस। ऑल्सो देयर इज अ कन्वर्जन फ्रॉम आईसी इंजन पावर टू अदर पावर, सो उसका भी जो लॉस होगा दैट विल ऑल्सो ऑपरेट, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी जो है आपके सीरीज हाइब्रिड व्हीकल्स की, इट विल बी लोअर्ड। ओके, तो सीरीज हाइब्रिड की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी कंपेयर टू हाइब्रिड पैरेलल हाइब्रिड, सो दैट्स राइट, लोअर एफिशिएंसी। एंड देन पैरेलल हाइब्रिड में क्या होगा, अब पैरेलल हाइब्रिड का जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ स्पेशियस, इट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल व्हीकल,
और बिकॉज यहाँ पे कोई स्टेजेस नहीं लग रहे हैं, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज आप क्या करो डायरेक्टली आपका आईसी इंजन वी का आईसी इंजन जो है आपका डायरेक्टली यू आर कपलिंग इट विथ योर गियर बॉक्स एंड योर मोटर, इट यू आर ऑल्सो डायरेक्टली कपलिंग इट विथ योर गियर बॉक्स. तो यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो रहा, कन्वर्जन से यू गेट रिड ऑफ द कन्वर्जन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बेटर एफिशिएंसी देन सीरीज हाइब्रिड. ओके, सो इट हैज़ हायर एफिशिएंसी. क्लियर है सब लोगों को? से यस और नो एवरीबॉडी. ओके, बाकी के लोग कितने, दो लोगों ने बोला, तीन लोगों ने बोला? यस सर. ज्ञानेंद्र, मिलन? यस सर, क्लियर. ओके, उसके बाद ये हो गया, चलो आपका पैरेलल हाइब्रिड और सीरीज हाइब्रिड के एप्लीकेशंस के बारे में बात हो गई. उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड DOA, डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इट इज एन इक्वेशन एंड इट इज गिवन ऑन द बेस ऑफ हाउ मच कन्वर्जन इज दैट, लाइक जितना डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होगा उतना आपके जो आपका जो व्हीकल है, आपका जो इंजन है, उतना वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और जितना कॉम्पैक्ट इंजन हो जाएगा उतने कम स्पेस में वो फिट हो जाएगा, मतलब उतनी ज़्यादा कार आपकी जो है वो स्पेशियस बन जाएगी. ओके, सो देयर इज डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और DOH. लेट्स गेट टू इट. इट इज बेसिकली अ फॉर्मूला. ओके, it is a formula. It says it is ratio of electric motor power to the total combined power. Okay, ratio of electric motor power divided by total power. मतलब total power में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक मोटर का भी पावर प्लस हाइब्रिड है तो आईसी इंजन का भी आएगा, राइट? सो लाइक दिस. ओके, सो DOH और डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर पावर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर पावर प्लस आईसी इंजन पावर. अब DOH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कॉम्पैक्ट आपका आईसी इंजन होगा, और जितना कॉम्पैक्ट आपका आईसी इंजन होगा उतनी ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगी. ओके, सो वेट अ मिनट. So that was DOH. There is one more point which we missed, that जो power जो होती है hybrid vehicle को, उसको use कैसे करते हैं, normally उसको use कैसे किया जाता है. तो use करने के लिए what do we do? Firstly, what do we do when we start the vehicle? तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप आईसी इंजन व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो, जब उससे आप ड्राइव कर रहे हो आपके आपकी पावर ट्रेन को, तो स्टार्टिंग में वो ज़्यादा जो उसका फ्यूल है, मतलब पेट्रोल है या डीजल है जो भी है, इट कंज्यूम्स मोर फ्यूल. एंड एट द स्टार्टिंग टाइम जब उसको स्टार्ट कर रहे हो और वो फर्स्ट गियर में है, तब जो आपका आईसी इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे मिनिमम होती है, बिल्कुल कम होती है. सो इन हाइब्रिड व्हीकल कांट वी डू वन थिंग, दैट जब स्टार्ट हो रहा है तब हम लोग क्या करें, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चले, मतलब जो मोटर है उससे हमारी ड्राइव ट्रेन को, पावर ट्रेन को हम ड्राइव करें, और उसके बाद एक बार इफ वी अचीव सर्टन स्पीड देन वी शिफ्ट टू आईसी इंजन, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक पावर जो है, मोटर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं लेके जा सकती. आपने देखा होगा कि स्पीड लिमिट आती है बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में,
कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बस 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक ही जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा, इवन दो इट इज़ अ स्कूटर, राइट। तो फॉर हायर स्पीड यू कैन स्विच ऑन आईसी इंजन पावर। सो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। और एट दैट टाइम व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर, व्हेन यू आर यूजिंग हाइब्रिड आईसी इंजन पावर, व्हाट डू वी डू एट दैट टाइम? वी चार्ज चार्ज आर बैटरी विद द रीजनरेटिव ब्रेकिंग दैट वी टॉक्ट अबाउट, एंड ऑल्सो योर आईसी इंजन हेल्प्स टू चार्ज द बैटरी, बट नॉट इन एवरी सिस्टम, राइट। आई एम टेलिंग यू दैट देर आर सो मैनी ब्रांचेस इन ओनली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर, बिकॉज अगर मैंने ये पूरा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये पूरा एक मास्टर्स टॉपिक हो जाएगा। सो रादर देन जस्ट ओनली यूजिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वी ऑल्सो यूज द पावर ऑफ आईसी इंजन टू रिचार्ज योर बैटरी, एंड देन बैटरी वाया बैटरी वी यूज बैटरी टू रन आर मोटर। सो दिस इज वन वे ऑफ यूजिंग इट। अनदर वे विच वॉज नॉट वेरी एफिशियंट दैट यू स्टार्टेड ऑन आई सी इंजिन एंड देन यू मूव ऑन इलेक्ट्रिक, बिकॉज इफ यू डू दैट दैट इज वेरी नॉन फिजिबल थिंग टू डू, बिकॉज आई सी इंजिन स्टार्टिंग में बहुत ही उसका एफिशेंसी लो होता है, और इलेक्ट्रिक का जो स्पीड होता है टिल सर्टिन पॉइंट इट कैन ऑपरेट एट मैक्सिमम स्पीड, बट आफ्टर लाइक वो 50 या 70 किलोमीटर पर आर के बाद इट विल नॉट बी एबल टू एक्सेलरेट। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो एक्सेलरेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, बट हाइब्रिड व्हीकल्स में इस तरीके से आप एक्सेलरेशन भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आर जाने के लिए जो टोयोटा प्रायस करके जो मैंने आपको मॉडल बताया था, इट टेक्स अराउंड 13 to 17 seconds, नॉट 17, आई थिंक 13 to 13.5 और समथिंग सेकेंड्स। सो दैट इज हाउ वी मैनेज द पावर, 50-50 कर लेते, पीक पावर का 50-50 करके आईसी इंजन और जो हमारा मोटर होता है दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। देन जो चार्जिंग जो होता है, जब हम लोग रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें एक्सटर्नल सॉकेट रहेगा, और जब हम लोग रिचार्जेबल बैटरी नहीं यूज़ कर रहे ऑफकोर्स देर इज़ नो अदर सॉकेट, बिकॉज आई सी इंजिन खुद ही उसको चार्ज कर दे रहा है, ठीक है। देन एक्सेप्ट फॉर दीज टू टाइप्स, एक्सेप्ट फॉर सीरीज हाइब्रिड एंड पैरेलल हाइब्रिड, देर इज समथिंग कॉल्ड सीरीज पैरेलल हाइब्रिड, इवन दो दैट इज प्रॉबली नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स स्मॉल ग्लिम्स अबाउट इट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जो होता है सीरीज पैरेलल हाइब्रिड, लेट्स डिस्कस इट। सीरीज पैरेलल हाइब्रिड, अब इसमें क्या होगा, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज पैरेलल हाइब्रिड, बट इन दिस वी गेट बेनिफिट्स ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड। And how do we do that? By doing that, parallel hybrid में क्या था कि at a time you either can drive with the use of IC engine or you can drive with the use of your motor. But in series parallel hybrid that is not the case. Okay. Series parallel hybrid में you can use power of both. You can use power of both IC engine and electric motor. Okay. But let's not get into it because it's not a part of our syllabus. So let's move forward. उसके अंदर बस एक mechanism होता है, additional एक ही mechanism होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, power splitter. It splits your power generated from IC engine from the power generated from
motor and it runs on it. Okay, so this was all about our hybrid vehicles. उसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड, एनीबडी रिमेंबर्स कि कौन से टाइप्स के हम लोगों ने व्हीकल्स डिस्कस किए थे? सबसे पहले बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्कस किया था, राइट? उसके बाद पैरेलल हाइब्रिड डिस्कस किया था, उसके बाद क्या डिस्कस किया था, एनीबडी रिमेंबर्स? राइट राइट, ईवीज विद फ्लाई व्हील एंड सुपर कैपेसिटर्स, देन देयर वाज solar based, and then fuel cell electric vehicles were also there, right? So let's come to the third point. It is very small point, so it will be over very soon. Solar based electric vehicles, or rather we can say solar based vehicles. Solar based vehicles mein kya hota hai? Of course it runs on solar power. Okay, एंड सोलर पावर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि सोलर फोटोवोल्टेइक्स पे काम करता है, हमेशा फोटोवोल्टेइक सेल्स के ऊपर काम करता है. फोटोवोल्टेइक सेल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी फॉर्म एरेज एंड मॉड्यूल्स, राइट? एंड फ्रॉम एरेज एंड मॉड्यूल्स वी क्रिएट पैनल्स, सोलर पैनल्स, राइट? सो इट वर्क्स ऑन दैट वेरी प्रिंसिपल, जो सोलर फोटोवोल्टेक का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही. एंड इवन दो सोलर एनर्जी इज़ फ्री, बट सोलर बेस्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका एफिशिएंसी, बिकॉज सोलर सेल का एफिशिएंसी अगर आपको पता है ज़्यादा नहीं है, सो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एफिशिएंसी भी इतना ज़्यादा नहीं है. अनदर थिंग, लेट्स राइट इट डाउन. एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है. दूसरी बात, इट गेट्स वेरी एक्सपेंसिव टू यूज़ सोलर बेस्ड व्हीकल्स. ओके, सो एक्सपेंसिव. एंड वन मोर थिंग कि सोलर बेस्ड व्हीकल्स जो होते हैं, सोलर बेस्ड जो कार्स होती हैं, दे गेट ह्यूज इश्यू ऑफ हीट. वो जल्दी जल्दी हीट अप हो जाते हैं, एक्सटेंसिव हीटिंग का इश्यू होता है, ठीक है? सो extensive heating, and there was one or two more things like jab solar vehicles ko aap drive karwate ho to it cannot go past speed more than 85 km per hour. okay, 85 km per hour is the maximum speed till now which has been achieved using solar based vehicle. It is not like ki isse aage normally nahi jaya jata hai, isse aage kabhi पॉसिबल ही नहीं हुआ है अभी तक ये स्पीड को क्रॉस करना. सो कमर्शियल व्हीकल में तो सोच लो कि कितना ज़्यादा कितना कम स्पीड पे आपको चलाना पड़ रहा होगा, राइट? एंड एक और जो सोलर व्हीकल्स के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है कि जब सनशाइन होती है तभी आप चला सकते हो, राइट? इट कैन ओनली बी ऑपरेटेड इन रिच सनशाइन. अगर धूप नहीं है तो सोलर फोटोवोल्टेइक से आपका जो पैनल है वो चार्ज नहीं होगा. इट विल नॉट बी एबल टू हेल्प योर बैटरी, राइट? इवन दो यू कैन स्टोर द पावर इन बैटरी एंड देन यू कैन ऑल्सो रन इट, बट इट विल एड एन एडिशनल स्टेज, और एक एक्स्ट्रा स्टेज लग गया तो फिर से वही लॉसेस वगैरह ज़्यादा होने ही वाले. सो बिकॉज सोलर बेस्ड व्हीकल्स जो है उनके इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है तो उनको प्रिफर अभी तो नहीं किया जा रहा है, बट इन फ्यूचर बिकॉज यू नो सोलर के ऊपर रिसर्च इतनी ज़्यादा चल रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का ही अभी तो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि वी आर रनिंग ओनली ऑन सोलर, एवरीबडी इज़ डूइंग सोलर. सो सोलर में ऐसा हो गया है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिसर्च चल रही है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, उसका कॉस्ट भी जो है कंटिन्यूअसली सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का कम हो रहा है. लेट्स राइट बेस्ड ऑन सोलर वर्क्स ऑन सोलर फोटोवोल्टेइक सेल.
उसका कॉस्ट जो है वो भी कम हो रहा है और लगातार उसका जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है. सो वी आर होपफुल कि नेक्स्ट टाइम, मतलब फ्रॉम फ्यू इयर्स फ्रॉम हियर, वी विल बी यूजिंग सोलर बेस्ड व्हीकल्स. सो दीज वर सोलर बेस्ड व्हीकल्स. द फोर्थ इज फ्यूल सेल ईवीज. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अभी तक किसी को कोई डाउट वगैरह है इसके अंदर? अभी जो सीरीज पैरेलल का डिस्कस किया मेनली, उसमें सीरीज पैरेलल में कोई डाउट किसी को बचा है? सबको समझ आया? से इधर यस और नो. ओके, डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सबको समझ आ गया? फ्यूल से सॉरी सोलर बेस्ड व्हीकल्स और डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अदर्स? ओके, राहुल, ज्ञानेंद्र? ओके, ये जो पॉइंट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया DOH वाला, डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो उसको स्टार करके रख लेना, बिकॉज आप लोगों को एग्जाम में काम आएगा, एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, इवन दो दिस सब्जेक्ट इट सेल्फ इज़ वेरी न्यू, कि अभी तक इसका एक ही पेपर, आई हैव ट्राई टू सर्च द ओल्ड पेपर्स ऑफ ओल्ड GTU पेपर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, बट दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी न्यू, तो उसका अभी तक मुझे सिर्फ एक ही पेपर मिला है. एक ही पेपर मतलब शायद अभी तक एक ही पेपर आया हुआ है, एक या दो हुए होंगे अभी जो एग्ज़ाम गई उसमें, शायद दूसरा हुआ हो, बट उससे ज़्यादा कोई मटेरियल मिला नहीं है. सो यू विल नॉट हैव सो मच मटेरियल टू कैरी ऑन. सो जितने पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई विल बी जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे ऐसे वैसे वैसे आई विल बी टेलिंग यू कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो कीप मेकिंग नोट्स. ओके, नाउ कमिंग टू फ्यूल सेल व्हीकल्स. तो हम लोगों ने बात की थी कि हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स जो हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी, राइट? एंड देर वॉज वो ऑल्सो वन कार वी डिस्कस्ड अबाउट, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल के ऊपर बेस बेस पे चल रही थी, राइट? सो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कार और समथिंग, बट इट वॉज बेस्ड ऑन दिस वॉट वी कॉल्ड फ्यूअल सेल्स, हाइड्रोजन फ्यूअल सेल्स. आई थिंक लेट मी सी, आई थिंक होंडा, या होंडा FCX क्लैरिटी वॉज द कार विच वॉज वर्किंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूअल सेल. ओके, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, डू एनी ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट एनी अदर फ्यूअल सेल्स विच कैन बी यूज, विच कैन बी यूज फॉर ड्राइविंग द व्हीकल? देर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रोबेल फ्यूल सेल. एनीबडी, एनी आइडिया? ओके, आई थिंक नो ओके, नो आइडिया एनीबडी, नो डाउट. वी विल डिस्कस इट इन अपकमिंग टाइम्स, अपकमिंग लेक्चर्स. फॉर नाउ वी हैव टू मूव, बट लाइक आप लोगों का लेक्चर दूसरा भी है ना अभी, तो 11:25 से. ओके, सो लेट्स कीप दिस लेक्चर टिल हेयर, जो पूरा फ्यूअल सेल का जो पोर्शन है और उसके बाद वाला जो पोर्शन है, उसके बाद वाला पोर्शन जो फ्लाई व्हील एंड सुपर कैपेसिटर्स वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्शन है, वो वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. और उसके बाद वाले मतलब अभी एक या दो लेक्चर में वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर. देर इज़ नथिंग मच लेफ्ट लेफ्ट इन दिस चैप्टर टू डिस्कस. सो दो दो या तीन और सेशन में वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन डिटेल. ओके, सो उसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग सीरीज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल, लाइक सीरीज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल टाइप ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स इन डिटेल. देर आर फ्यू थिंग्स विच कॉल्ड माइल्ड हाइब्रिड एंड अदर थिंग्स, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट टू. ओके, सो अभी ये जो चला उसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
ओके रिमेनिंग समबडी लेफ्ट आई थिंक यश लेफ्ट नो प्रॉब्लम ओके ज्ञानेंद्र राहुल नो सर ओके सो लेट्स कीप दिस लेक्चर टिल हियर अभी आप लोग जयदीप सर का लेक्चर अटेंड कर लो अभी कल जो क्लास है उसमें वी विल बी डिस्कसिंग फ्यूल सेल व्हीकल्स एंड सुपर कैपेसिटर एंड फ्लाईव्हील इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओके चलो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट